भाई आजकल के टाइम में ना एक सेगमेंट ऐसा हो चुका है ना अंडर 15,000। भाई इस सेगमेंट में इतने धमाल धमाल के फ़ोन आ रहे हैं, मतलब मैं क्या कहूँ यार आप लोगों से। 4G ले लो, 5G ले लो, मतलब अल्टीमेटली इसको बोल सकते हैं हम नेक्स्ट लेवल भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मोबाइल। मतलब तगड़े तगड़े फीचर भी दे रहे हैं, प्रोसेसर भी बढ़िया मिल रहे हैं, कैमरे भी बढ़िया मिल रहे हैं, डिस्प्ले तो भाई गजब कर्व डिस्प्ले आई है भाई। अभी एक फ़ोन लॉन्च हुआ है आज जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ना, एक फ़ोन लॉन्च हुआ है अभी भाई, कर्व डिस्प्ले है उसमें अंडर 15,000। और भाई एस सीरीज़ का मोबाइल है ये, मोबाइल है भाई S23 Plus। नहीं भाई सैमसंग वाला नहीं, ये है iTel का मोबाइल भाई, iTel S23 Plus। अभी रिसेंटली iTel ने लॉन्च किया भाई, और iTel भी भाई आजकल फोकस कर रहा है अच्छे खासे, मतलब फीचर्स पे अगर मैं कहूँ तो फीचर्स पे तो फोकस कर रहा है भाई ये लो बजट में। अब इन लोगों ने एक और मोबाइल लॉन्च किया था रिसेंटली भाई, वो भी इनका 10,000 रुपये के अंडर में ही था, P55 5G करके। और रिसेंटली इन लोगों ने लॉन्च किया भाई iTel का S23 Plus। भाई देखो नाम तो इन्होंने सैमसंग से उठा लिया है S23, बट देखते हैं भाई क्या फीचर्स दिए हैं इसमें लोगों ने। बात करते हैं इसी मोबाइल के ऊपर, देखो मोबाइल तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ इस मोबाइल के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, क्या क्या इन लोगों ने दिया है, डिस्प्ले कैसी दी है, कैमरा कैसा दिया है, प्रोसेसर कैसा दिया है, बैटरी कैसी दी है, मतलब पूरी डिटेल में जिसको बोल सकते हैं पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई आज की वीडियो में इस मोबाइल के बारे में। तो भाई वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई iTel ने अपना मोबाइल लॉन्च कर दिया है iTel S23 Plus, और भाई दो कलर में इन लोगों ने लॉन्च किया है। जो इसका पहला कलर है वो है ब्लू, और जो इसका दूसरा कलर है वो भाई सियान करके इन लोगों ने कलर दिया है भाई ये। बात करूँ अगर इसके वेरिएंट की, तो भाई इन लोगों ने एक वेरिएंट में इसको लॉन्च किया है, 8GB रैम और 256GB रोम, और 8GB इसमें मिल जाती है आप लोगों को, 8GB वर्चुअली आप इसको बढ़ा सकते हो, मतलब टोटल 16GB कर सकते हो, 16GB इसको कर सकते हो रैम में कन्वर्ट। मतलब बात करें अगर इस मोबाइल की डिस्प्ले की, तो इसमें इन लोगों ने 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले दी है भाई, जो कि एक 3D कर्व डिस्प्ले है, समझ रहे हो आप लोग। और भाई ये मोबाइल का प्राइस अगर मैं बताऊंगा ना, अंडर 15,000 है मोबाइल का प्राइस, मतलब 15,000 रुपये के अंडर में आप लोग को 3D कर्व डिस्प्ले मिल रही है। 60Hz का इसमें रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 240Hz का इसमें टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, और भाई एक पंच होल डिस्प्ले है। बात करूँ प्रोटेक्शन की, तो भाई इसकी डिस्प्ले में आप लोग को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब समझ रहे हो भाई 15,000 रुपये में कर्व डिस्प्ले दे रहे हैं 3D, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। देखो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई मैं झूठ मूठ की तारीफ नहीं कर रहा हूँ इसकी, 15,000 रुपये में भाई कर्व डिस्प्ले मिलती है क्या आप लोग खुद बताओ। और अगर ये लोग दे रहे हैं तो भाई इस चीज़ को देखो अप्रिशिएट करना चाहिए। बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें इन लोगों ने यूनिसोक का T616 का प्रोसेसर दिया, जो कि 12 NM बेस्ड प्रोसेसर है। बात करें इसके अंतुतु स्कोर की, तो भाई 270,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर मिल जाता है। तो भाई इसमें माली G57 MP1 का GPU मिल जाता है। तो देखो नॉर्मल यूज़ के लिए तो भाई बढ़िया है प्रोसेसर, मतलब बेकार नहीं कहूँगा इस प्रोसेसर को बिल्कुल भी, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा तो बेकार भी नहीं कहूँगा, नॉर्मल प्रोसेसर है भाई। मल्टीटास्किंग के लिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, बट हाँ नॉर्मली बेसिक यूज़ के लिए अच्छा है। बात करें इसके कैमरे की, तो डुअल रियर कैमरा सेटअप इन लोगों ने इसमें दिया है। जो इसका मेन कैमरा रियर का वो है भाई 50 MP का, जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो AI करके दिया है इन लोगों ने। बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में 32 MP कैमरा दिया है भाई, 32 MP भाई फ्रंट कैमरा। बात करें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो भाई इसे 1080p तक आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं up to 30 FPS, और भाई iTel OS 13 मिल जाता है, जो कि Android 13 पर बेस्ड है। बात करूँ इसकी बैटरी की, तो भाई 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का इसमें फास्ट चार्जर मिल जाता है, बॉक्स में मिल जाता है भाई, बाहर से नहीं खरीदना है, ये लोग बॉक्स में अभी भी दे रहे हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, और 3.5 mm का जैक इसमें नहीं मिलता है, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, उसी से आप लोग ऑडियो से चला सकते हो और इसी से चार्जिंग भी चला सकते हो। और भाई NFC का सपोर्ट मिल जाता है इसमें, डुअल सिम है भाई ये फ़ोन। और भाई दो सबसे अच्छी चीज़ इसकी, इसमें इन लोगों ने वन टाइम का तो स्क्रीन रिप्लेसमेंट दिया है भाई, मतलब एक बार अगर आप लोग की डिस्प्ले टूटती है तो आप लोग चेंज करवा सकते हो, मेरे ख्याल से 100 डेज के अंदर अंदर है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, बट हाँ दिया है इन लोगों ने, ये तो कन्फर्म है भाई। और 2 साल की इन लोगों ने वारंटी दी है भाई इसकी, बाकी मोबाइल्स 1 साल की देते हैं, इन लोगों ने 2 साल की दी है। बात करूँ अगर इसके प्राइस की, तो भाई इन लोगों ने 8GB 256GB एक ही वेरिएंट है भाई, उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 13,999 रुपये, और भाई Amazon.in पर अवेलेबल है, मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हो। तो भाई देखो 14,000 रुपये के आसपास इन लोगों ने प्राइस दिया है, कार्ड वार्ड का ऑफर लगा करके आप लोगों को 12.5 तक मैं कहूँगा पड़ जाएगा भाई, 12.5 या 13 मैक्सिमम पड़ जाएगा। तो 12.5 हज़ार रुपये में अगर आप लोग को एक यूनिक सा लुक चाहिए ना, डिस्प्ले जिसकी बढ़िया हो, कर्व डिस्प्ले हो, जो देखने में लगे कि यहाँ 25-30 हज़ार रुपये का फ़ोन है, अगर आप लोगों को लुक चाहिए, डिस्प्ले बढ़िया चाहिए, तो आप लोग जा सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज भी नॉर्मल यूज़ के लिए बढ़िया है भाई। देखो कैमरा भी भाई उस हिसाब का मैं नहीं कहूँगा, मैंने इसके सैंपल्स देखे हैं, उस हिसाब का कैमरा नहीं है इसका, बट हाँ प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया है भाई। देखो ऑलराउंडर फ़ोन इसको मैं कह सकता हूँ भाई। और भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और मैं ज़्यादा iTel को ना प्रेफर भी नहीं करता, इनके मोबाइल देखे हैं मैंने स्टार्टिंग में, P40 था भाई,
A60 था, कोई इतने ज़्यादा खास मोबाइल इनके मुझे नहीं लगे हैं, बट ये मोबाइल मुझे अच्छा लगा। जैसे P55 भी मुझे अच्छा लगा भाई मोबाइल, ऐसे ही इनका ये मोबाइल भी S23 Plus, नाम भले ही सैमसंग से लिया हो बट मोबाइल अच्छा है भाई प्राइस रेंज के हिसाब से। मतलब आप लोग जा सकते हो भाई अगर आप लोग को नॉर्मल यूज़ के लिए मोबाइल चाहिए तो। अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊँ तो हाँ, मैं कंसिडर करूँगा इसको अंडर 15,000 भाई, 12,000-13,000 रुपये में भाई और क्या देंगे यार, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से देखो जा सकते हैं भाई इस मोबाइल के ऊपर, बिल्कुल जा सकते हैं अगर मेरी पर्सनल राय बताऊँ आप लोगों को तो। बाकी भाई आप लोग की जो भी राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो बस भाई वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोग को वीडियो, अच्छी बुरी जैसी भी लगी, जो भी आप लोग का फीडबैक है मुझे लेकर के, वीडियो को लेकर के, स्पेशली इस मोबाइल को लेकर के जो भी आप लोग का फीडबैक है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।